हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वीट प्यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड इवनिंग। मैंने इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि शाइना बहुत बीमार है। अभी डॉक्टर आए हैं तो उसको चेक कर रहे हैं, पता नहीं कुछ खा नहीं रही है, और साथ में उसको कुछ पेट में कुछ होल जैसे हो गए हैं, तो वही हम डॉक्टर आए हैं तो वो चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मन भी नहीं किया मेरा कुछ बनाने का। तो वो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, तो बहुत टेंशन हो रही है इस वजह से। तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है शाइना। अभी डॉक्टर इसको चेक करके गया है, बहुत ख़राब है इसकी हालत, भी खाना नहीं खा रही है, कुछ नहीं कर रही है। इस हमने ये बांधा हुआ है, अगर डॉक्टर इसको देखेगा, इसको खाती नहीं है पर ऐसे ही बांधा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम है इसको, बहुत ज़्यादा है। अगर हमें कुछ हो तो हम किसी को सुनाएंगे, पर जानवरों ने किसको सुनाना है। तो अभी बुलाया था डॉक्टर को, वो चेक करके गया है इसको, पता नहीं इसको क्या हो गया। शाइना, ये खोल दूं मैं 2 मिनट, गले में जो इसको ये बांध, हाँ। नहीं, ये जो इसके सो डॉक्टर अभी इंजेक्शन लगा के गया है शाइना को, इंजेक्शन लगा के गया और 10 दिन के इंजेक्शन लिख के गया है वो, कि इंजेक्शन इसको लगाने हैं डेली तभी ठीक होंगे। उसको ना पेट में सुराख हो गए, जैसे होल टाइप सा हो गया कुछ, तो अभी कीड़े तो हुए नहीं है, पर डर है ना, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, कीड़े तो हो जाएंगे, तो इसलिए हमने डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया है, दवाई भी लगा दी है। तो यहाँ पे ब्राउनी देखो, इसके लिए भी ये लाया है, इसको तो ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि काटता बहुत है। तो अब देखते हैं शाइना ठीक हो जाए जल्दी से, बहुत प्रॉब्लम है उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, बस सोई रहती है, पता नहीं क्या हो गया उसको। आज हवा बहुत चल रही है, अच्छा मौसम हो गया, आज ठंडा हो गया एकदम से, तो हवा चल रही है ठंडी ठंडा, अच्छा लग रहा है। और ब्राउनी देखो क्या कर रहा है, अब इनको लगी है भूख ब्राउनी को, तो मैंने जाना भी खाना बनाने इनके लिए। क्या हो गया, भूख लगी है, भूख लगी है आपको? बहुत मन करता है इसको प्यार करने का, इसको ऐसे ऐसे करने का, पर ये हाथ नहीं लगा देता, लेकिन अब इसको ये बांधा है ना तब ये कुछ नहीं कर सकता, पर ये अपने पाँव के साथ इसको खोल देता है, कोई इसका पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये कुछ भी कर सकता है। देखो इसको, शरारती को, ये शरारती है। क्या हो गया शाइना को, शाइना को क्या हो गया बताओ, इनको शाइना को क्या हो गया? आपकी फ्रेंड बीमार हो गई है ना, क्या हो गया उसको, क्या हो गया, भूख लगी है, क्या हालत की है टपकी? अभी खाना लाऊंगी, छोड़ो इसको, छोड़ दो। तो इसको लगी है भूख, तो मैं जाती हूँ किचन में, इनके लिए खाना बनाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है। ये देखो, मैंने आम का पेड़ लगाया था यहाँ पे, बड़ा हो गया, ये मैंने लगाया है, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
खाना दे दिया। शाइना खा नहीं रही थी पहले, बहुत मनाया उसको खा ले तो कुछ खाया इसने, अभी भी छोड़ दिया इसने खाना, पूरा फिनिश किया नहीं इसने खाना। नेचुरल सी बात है, किसी को पेन हो रही हो तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है, हमको ही कुछ हो जाए तो हम खाना कहाँ खाते हैं। वैसे ये किसी को बता नहीं सकते हैं, हम चिल्ला चिल्ला के बताएं कि हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये किसको बताएंगे। तो अभी ये सो रही है, मैंने बोला यहाँ पे आप बैठो, ये रूम में आ गई। तो अभी मेरे को कुछ काम है, मम्मा पापा गए हैं कुछ मार्केट गए हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो मैं भी जाती हूँ कुछ काम करती हूँ। आज सुबह से भी कुछ काम नहीं किया है और इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी 8 बज रहे हैं तो इनको मैंने खाना दे दिया। अब मैं डिनर की तैयारी करती हूँ तो थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ आपसे। सो गाइस, आज मैंने कपड़े धुले थे तो टाइम नहीं मिला इसको, अभी बाहर से लेकर आई हूँ तो मैं इसकी तय लगा रही हूँ कपड़ों की, प्रेस कल कर देंगे तो टाइम नहीं मिला मेरे को, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। साथ में मैंने सब्जी चढ़ाई हुई है, मम्मा पापा लेट आएंगे, मैं सोचा डिनर बना देती हूँ। सासा सब्जी सासा ये वाला काम हो जाए, ठीक है ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, मैं सोचा चलो तय कर लेती हूँ। शाइना सो गई है तो ब्रोनी बाहर चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, कह रहा है मेरे को मुझे खोल दो। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया बाहर, खत्म हो गया था वो लेके आई है। मेरा ये पैंटीन शैम्पू और क्या लाया, ये जूस लाया लीची का, न्यूडल्स बोले थे न्यूडल्स लाए हैं, आटा न्यूडल्स बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, और ये काजू लाए हैं, बादाम काजू, और कुछ दाल लाई है, दाल वगैरह खत्म हो गई थी हमारे घर पे, बिस्किट है और सर्फ एक्सल बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिस्किट है, और ये क्या है, ये चीनी लाई है। देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग में ये आती है, ये देखो कितना अच्छा पैक करके देते हैं, और वो था ये चाट मसाला, और वो कहाँ के चावल, ये सैंपल आया क्योंकि हमने पहले भी चावल लाए थे वो अच्छे नहीं निकले थे, तो
इसलिए उन्होंने अभी बोला कि ये थोड़ा सैंपल दिया, आप इसको टेस्ट करके बताना ये कैसे बनेंगे, तो इसलिए थोड़े से लाए हैं, फिर उनको बताएंगे हम। तो ये सामान लाया है बस, इतनी सी शॉपिंग की है, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो, सो फ्रेंड्स, हम मैंने डिनर बना लिया, सबने खा भी लिया, और साथ में जो हमने शाइना को खाना खिलाया था वो उसने वॉमिट कर दिया, सारा निकाल दिया, तो पता नहीं क्या हो रहा है, उसको पेन हो रही है पर वो किसी को बताती नहीं है, और साथ में ब्राउनी बहुत चिल्ला रहा है, कह रहा मुझे खोल दो, बहुत बदतमीज़ है वो। और साथ में डिनर में मैंने बनाया था, मैंने चपाती बनाई और साथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में चटनी बनाई थी मैंने, वो हमने डिनर कर लिया, अब हम सोने जा रहे हैं। और सामने शाइना को दवाई लगानी है, डॉक्टर देके गया है कि इसको दवाई लगा दो, वो लगाएंगे दवाई हम, उसके बाद फिर हम जा रही हूँ मैं सोने के लिए, अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करना है मुझे, वो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। साथ में प्लीज़ मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें, बहुत सपोर्ट करें, मुझे बहुत नीड है मुझे आपके प्यार की, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ, तो तब बाय।